एक कॉमेडियन जो साला पता नहीं क्या क्या बकता है, और वो माधवचोद के इतने फॉलोअर समझ में नहीं आता कि फॉलोअर कौन है, किस धर्म के लोग हैं। और ये कॉमेडियन इतना थर्ड क्लास कॉमेडी करता है, वो बातों बातों में भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता माता के ऊपर बात करता है, उनके ऊपर कॉमेडी करता है, उनको गाली देता है। ये फारूकी माधवचोद आखिर वो डिस्टर्ब था, वो क्यों डिस्टर्ब था बताया आपको? क्योंकि उसकी अम्मी को गुजरात में डिंग डिंग क्या किया था समझ जाना। तो वो देखकर वो सदमा उसको सही नहीं कर सका, तो अब पूरा इधर घूमता है उधर घूमता है, पता नहीं इधर उधर शो करता है, ऑनलाइन टिकट बेचता है, वो सारा धंधा करता है और कॉमेडी करता है थर्ड क्लास की। और थर्ड क्लास कॉमेडी में हिंदुओं को टारगेट करता है, बीजेपी के बड़े अधिकारियों को टारगेट करता है। अबे साले तेरा है मुंह साले इतना, और देख हमारा मुंह है साले इतना। अबे फंके, अरे साले खाना नहीं खाता क्या जो साले इतना फंका जैसा है? अरे कभी कभी सुअर का गोश्त भी खा लिया घर, फिर देख कितना मजा आता है। अच्छा, और एक पॉइंट, मैं जैसा ये माधवचोद का वीडियो देखा तो मैं सोचा ठीक है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर इसने इतनी बड़ी गाली दे दी, इतनी बड़ी बात कर दी, तो मैं सोचा कि ये माधवचोद जिसको पूजता है, ये माधवचोद के जो आका है और ये गोल टोपी वालों के जो आका है, क्यों ना मैं इनके बारे में सर्च करूं।